दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस स्टेटमेंट से, जिसमें उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज द एसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी जन सहभागिता सुशासन का मूल तत्व है। अब जन सहभागिता किस प्रकार सुनिश्चित हो, इसके अलग अलग प्रारूप हो सकते हैं, और मैं इस प्रारूप को जोड़ना चाहूंगा बजट 2024 में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा से, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्दी ही भारत सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर के आ रही है। तो ये डायरेक्ट टैक्स कोड कैसा होगा, इसका क्या शेप होगा, इसमें एक जन सहभागिता का फॉर्मेट लेकर के इनकम टैक्स पोर्टल पर भारत सरकार ऑप्शन लेकर के आए। तो आप और मैं ये कह सकता हूं विशेष रूप से प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी, क्योंकि वो जनता से जुड़ी टैक्सेशन समस्याओं को समझते हैं, कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाते हुए अपनी ओर से सजेशंस दे सकते हैं कि नया डायरेक्ट टैक्स कोड कैसा हो। तो ये सजेशन आप किस प्रकार दे सकते हैं, कहां आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात लेकर के आज की इस वीडियो से मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपको जाना है सबसे पहले incometax.gov.in, यानी भारत सरकार की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां आपको क्विक लिंक्स में एक ऑप्शन मिलेगा सजेशंस फॉर रीवैम्प ऑफ आईटी एक्ट न्यू। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि आपकी जन सहभागिता इस पर्टिकुलर मैटर पर की जा सके। तो जब आप दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगली विंडो आपके लिए खुलेगी, सजेशंस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स। यहां आपको अपना पैन नहीं देना है, अपना नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर देना है और एक ओटीपी जनरेट करने के लिए क्लिक करना है। जब ओटीपी जनरेट करेंगे तब आपको उस ओटीपी को फिल इन करने के बाद में एक नेक्स्ट विंडो मिलेगी, जिसमें आपको अपने सजेशंस देने का मौका भारत सरकार दे रही है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने अपना एक ओटीपी इंसर्ट करना है, ओटीपी को जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे फिर आपके पास में एक नेक्स्ट विंडो खुलेगी जिसमें आप अपने सजेशन दे पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, सजेशंस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, प्लीज एंटर द सेक्शन नंबर अगेंस्ट विच यू वॉन्ट टू सबमिट द रिस्पॉन्स। तो मैं मानता हूं, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी का यहां रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सेक्शंस को अच्छी प्रकार भली प्रकार समझते हैं। लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि जनता जनार्दन में भी ऐसे बहुत सारे छुपे रुस्तम हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शंस का हवाला लेना जानते हैं और उन पर अभ्यस्त हैं कि कौन सा सेक्शन क्या व्यवस्था करता। तो आप जिस भी सेक्शन का यहां रिस्पॉन्स देना चाहें, कि फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिखा सेक्शन 50 सैलरी हेडकट टैक्सेशन। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, मान लीजिए मैं अपने अनुभव से ये कहता हूं कि सैलरी हेड में अलग अलग केसेस में सैलरी की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है जो कंफ्यूज करती है, या सैलरी के केस में जहां पर ओल्ड रिजीम लागू होती है वहां पर अलग अलग बेनिफिट्स या डिडक्शंस के फॉर्मेट्स हैं जिनमें करदाताओं को कंफ्यूजन रहता है कि कहां पर टैक्सेशन कब होगा, एग्जम्पशन कितने की होगी, होगी अथवा नहीं होगी, ये कंफ्यूजन्स दूर होने चाहिए। तो आप सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज में अपना व्यू दे सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 अल्फाबेट इंसर्ट करने की परमिशन है। लिटिगेशन रिडक्शन की दृष्टि से आप कोई पॉइंट चाहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कोई ये कहना चाहता है कि साहब पीएसयू के एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर माना जाए, तो ये लिटिगेशन रिड्यूस करने वाला एक प्रोविजन है, आप ये पॉइंट इंसर्ट कर सकते हैं। रिडंडेंट ऑब्सोलीट प्रोविजन, यदि आपको लगता है कि इनकम टैक्स का कोई धारा रिडंडेंट है तो आप वो ऑप्शन यहां पर दे सकते हैं। कंप्लायंस रिडक्शन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं पर कहता है कि यहां पर ये फॉर्म आप फिलअप करिए, आपको लगता है सर इस फॉर्म को फिलअप करने की जरूरत ही क्या है, तो आप वहां पर अपना इस प्रकार एक सजेशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपको एक सेक्शन से रिलेटेड चार सजेशन फिलअप करने का ऑप्शन मिलता है। सो वंस यू विल सबमिट द रिस्पॉन्स, you will finally receive a confirmation response submitted successfully and then you can exit survey. But before you exit survey, you can see that an option submit another response, four responses available. यानी एक करदाता चार sections पर लिख सकता है। तो मैं तो बहुत बढ़िया मानूंगा कि अगर भारत में करदाताओं की संख्या suppose total में आज की date में 2 crore plus है, 3 crore plus है, 5 crore plus है, तो अगर 5 crore जने एक एक सेक्शंस पर लिखना शुरू करते हैं
तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं तो अगर 5 करोड़ में से 5 लाख संख्या भी ले लेता हूं, तो 5 लाख लोग अगर सजेशन देते हैं, एक एक सजेशन भी देते हैं, तो भारत सरकार तक 5 लाख सजेशन पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसका प्रयोग मैं मानता हूं, विशेष रूप से टैक्सेशन से जुड़ी फ्रेटर्निटी को तो जरूर करना चाहिए। दोस्तों, कुछ फूड फॉर थॉट की बात करता हूं कि अपनी ओर से कुछ आइडियाज आपको थ्रो करता हूं कि यदि आप मेरे भड़काने से कुछ अपनी ओर से सजेशन देना चाहें तो क्या सजेशन हो सकते हैं, आप इन पर विचार कर सकते हैं। से फॉर एन एग्जाम्पल, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सैलरी टैक्सेशन की बात मैंने पहले भी की कि सैलरी हेड में अलग अलग जगह पर सैलरी के अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, उसकी वजह से करदाताओं में कंफ्यूजन रहता है कि ग्रेच्युटी के पर्पजेस से सैलरी कैलकुलेशन क्या होगी, लीव एनकैशमेंट में सैलरी कैलकुलेशन क्या होगी, पीएफ के पर्पजेस से सैलरी क्या होगी, ये चीजें करदाताओं को कंफ्यूज करती हैं। तो मेरा मानना है इसका सरलीकरण किया जाना चाहिए। टैक्सेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑन एक्चुअल बेसिस, कि वैसे तो लॉ कहता है एनुअल बेसिस पर हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम को टैक्स करेंगे, जबकि प्रैक्टिकली ज्यादातर लोग एक्चुअल बेसिस पर ही हाउस प्रॉपर्टी के केस में टैक्सेशन ऑफर करते हैं। तो लेट्स मेक इट सिंपल, क्लबिंग प्रोविजंस एक्सेप्ट इन केस ऑफ माइनर्स, माइनर्स को छोड़ करके बाकी केसेस में क्लबिंग प्रोविजंस मेरे हिसाब से हटा देने चाहिए, क्योंकि उनकी अक्षरशः अनुपालना नहीं हो रही। कैपिटल गेन टैक्सेशन एंड एग्जम्पशंस अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, जहां पर भारत सरकार को इस डायरेक्ट टैक्स कोड में क्लैरिटी और लानी चाहिए, कि बहुत सारे करदाता कंफ्यूज रहते हैं कि कब एग्जम्पशन ली जा सकती है। बहुत सारे रूल हैं, 2 करोड़ रुपए तक का कैपिटल गेन, 10 करोड़ रुपए तक का प्रॉपर्टी का मैटर, फिर उसके बाद में कभी नेट कंसिलेशन का इन्वेस्टमेंट, कभी कैपिटल गेन का री इन्वेस्टमेंट। तो ये जो करदाताओं के कंफ्यूजन्स हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट प्रिवेलिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ, इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ज्वाइंट वेंचर्स के टैक्सेशन में कोई क्लियर प्रावधान इनकम टैक्स लॉ में, एक्सेप्ट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए नहीं, तो क्यों नहीं भारत सरकार पिछले लिटिगेशन से सबक लेते हुए क्लैरिटी के साथ में ज्वाइंट वेंचर्स के टैक्सेशन पे बात करे। स्ट्रीमलाइनिंग टैक्स डिडक्शंस और एग्जम्पशंस, बहुत से टैक्स डिडक्शंस एग्जम्पशंस में विशेष रूप से न्यू और ओल्ड रिजीम की वजह से कंफ्यूजन्स है, या कब कोई डिडक्शन मिलने के लिए एलिजिबिलिटी है कब नहीं है, ये क्लैरिटी प्रोवाइड किया जाना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी ऑन टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक क्लैरिटी के साथ बोले कि हाँ साहब, हम इस पॉलिसी के मद्देनजर अपने डायरेक्ट टैक्स कोड को रखते हैं, ताकि कोई भी प्रावधान जब भी उस पॉलिसी से इतर जाता है तो उसे करेक्ट किया जा सके, और जुडिशरी भी उस पर्टिकुलर प्रावधान को टैक्सेशन पॉलिसी के अनुरूप डील कर पाए। टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के टैक्सेशन में बहुत सारी गफलत रहती है, और इसका परिणाम ये होता है कि जो एक प्रीशियस इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है वो लाने से नॉन रेजिडेंट घबराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे और टैक्सेशन पॉलिसी क्लैरिटी नहीं होने की वजह से हमारा टैक्सेशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक रिलीफ नॉन रेजिडेंट के लिए भी अमेंडमेंट के रूप में, सिंप्लीफिकेशन के रूप में लॉ में लाया जा सकता है। रिमूवल और रिडक्शन ऑफ डिस्क्रिशनरी और फिक्शन प्रोविजंस, बहुत से ऐसे इनकम टैक्स के प्रावधान हैं जो अथॉरिटीज को डिस्क्रिशनरी प्रोविजंस की पावर देते हैं, डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी लेने की पावर देते हैं, या फिक्शन है, फॉर एन एग्जाम्पल 43CA, 50CA, 50C एक्सेट्रा। तो ऐसे सारे प्रावधानों में कहीं ना कहीं रिमूवल या रिडक्शन ऑफ डिस्क्रिशनरी फिक्शन प्रोविजंस की बात भी इस पर्टिकुलर डायरेक्ट टैक्स कोड से मैं मानता हूं अपेक्षा की जा सकती है, और आपका फीडबैक यदि भारत सरकार को जाएगा तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत सरकार को प्रमोट करेगा कि उस पर एक्शन लिया जाए। अंत में दोस्तों, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम भी अपना कर्तव्य निभाएं। हमें लगता है यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब डायरेक्ट टैक्स कोड लिखने जा रहा है, यानी भारत सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड लिख रही है, और हमारी बात भी कहीं ना कहीं हो सकता है पहुंचे अथॉरिटीज तक इन फॉर्म ऑफ मेकिंग इट रियली सिंपल, तो हम क्यों ना इस मौके का फायदा उठाएं। तो इसी निवेदन के साथ में कि आप भी इस अवसर का लाभ लेते हुए अपनी ओर से पोर्टल पे जाकर के सजेशन अवश्य देंगे, और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।